पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज जलंधर के वेरका प्लांट पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करोड़ों के विकास प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। वहीं उन्होंने 84 करोड़ रुपए की लागत के नए प्लांट का भी उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली व हिमाचल तक वेरका को पहुंचाएंगे। सीएम मान ने कहा कि 1.25 लाख दूध वेरका प्लांट में आएगा। काम बनाने लगे हुए हैं, जलंधर नू चमका देंगे। तुसी देखियो एमसीडी आ गई साडे कोले हुण दिल्ली वाली। असी कूड़े दे पहाड़ नाल मत्था ला लिया, जिहड़े दिल्ली च कूड़े दे पहाड़ सी ना उन्हां नाल मत्था ला लिया। वो पहाड़ों चक्कन लगे साफ कर लगे, बड़ी जल्दी दिल्ली जी है कूड़े के पहाड़ों तो मुक्त हो जाऊ। जलंधर तो कोई साढ़े लिए कोई खास गल नहीं, जलंधर शहर नमूने का शहर बनावे, जलंधर शहर में एक चमका देंगे शीशे वागू। जलंधर शहर डिपार्टमेंट मेरे को ही है हूँ वो, सो जिथे जलंधर शहर के कोई सीवरेज की प्रॉब्लम है, कोई बिजली लै स्ट्रीट लाइटा की प्रॉब्लम है, कोई भी किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है, असी जलंधर लुधियाना पटियाला बठिंडा अमृतसर जिन्हें भी साढ़े शहर ने मोहाली आनंदपुर साहब रोपड़ जिन्हें भी शहर ने उन्होंने चमकावे। ये साडा टीचा है आने वाला। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बारिश से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान बर्बाद हुई फसल का पिछले वर्षों की तुलना में इस बार किसानों को 25% अधिक मुआवजा देने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पिछली सरकारें केवल मुआवजे की घोषणाएं करती थी, लेकिन मुआवजे के नाम पर किसानों का मजाक उड़ाया गया। इस बार पिछले वर्ष की तुलना में 25% ज्यादा मुआवजा दिया जाएगा। जो पुराने तरीके मुताबिक वध तो वध नुकसान का 12,000 रुपये दिता जाता है, 75% तो 100% तक का 12,000 रुपया दिता नहीं जाता, ऐलान किया जाता, मिलता नहीं सी। कई बार तो जख्मों पर नमक छिड़किया जाता, 54-54 रुपये के चैक भी आ जाते, 111 रुपये का चैक भी आ जाता, 124 रुपये का चैक भी आ जाता, वह भी पता नहीं किन्ने चिर बाद धक्के खा के। सो असी ऐलान किया 75% तो 100% के जिन्ना भी फसलों का नुकसान होया उस 15,000 रुपया एक एकड़ का, यानी कि 25% असी वादा करता वो मिलेगा। तो 33% तो 75% तक जो पेल 5400 से वह हूँ असी वधा के 25% वधा के 6750 रुपये करता, तो जोड़ा पहला 26 से 33 हों असं 20% तो 33 करता, तो कि जे किसी का एक एकड़ चो एक बिघा भी फसल का नुकसान हो गया तो उन्होंने भी मुआवजा मिलना चाहिए। खालिस्तान समर्थक की गोल्डन टेंपल में अकाल तख्त साहिब की बैठक हुई है। श्री अकाल तख्त साहिब अमृतसर में बैठक बुलाई गई थी, जहां अमृतपाल के समर्थन में तमाम सिख संगठन नजर आए। वहीं जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। आपको बता दें इस बैठक में 60 से 70 सिख संगठन और निहंग गिरोह शामिल थे। पंजाब दे जो हालात बिगाड़े जा रहे ने, एक नैरेटिव, क्योंकि नैशनल चैनल है, मैं बेनती करना चाहना सारियां कि एक नैरेटिव जिहड़ा बिठाया जा रहा है सिखां दे विरुद्ध, ये सिख उही ने कि जदों करोना की महामारी पई सी ना, तो जदों सारियां सरकारां अंदर वड़ गईयां, सारियां जथेबंदियां अंदर वड़ गईयां, सारे लोग अंदर वड़ गए, उदों यही सिख ने जिहड़े बाहर निकल के जिन्हां ने राशन दे लंगर लाए, लीड़े दे लंगर लाए, जिन्हां ने ऑक्सीजन तक दे लंगर लगाए, ये उही सिख ने। सो जे एक बिरतांत बनाया जा रहा है दैट नैरेटिव इज़ बीइंग जनरेटेड दैट सिख्स आर टैररिस्ट, सो इस चीज़ के आपां नूं खिलाफ वेखना चाहिए है। वी शुड रीड हिस्टरी कि सिखां ने 80% कुरबानियां इस देश की आज़ादी लई कीतियां है, इस करके नहीं सी कीतिया कि सानूं नज़रबंद कर दिता जावे साम दे जेलां च। अमृतपाल सिंह की तलाश में पंजाब पुलिस लगातार 9 दिनों से जुटी है। 9 राज्यों में अमृतपाल सिंह की तलाश चल रही है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अमृतपाल सिंह मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन अब सामने आ रहा है। सूत्रों के मुताबिक अमृतपाल को पाकिस्तान से आधुनिक हथियारों की एक बड़ी खेप जम्मू कश्मीर के रास्ते भेजी गयी थी। राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। राहुल गांधी के बयान पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि वीर सावरकर तो राहुल गांधी कभी नहीं हो सकते, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू की तो इज्जत बचा लेते। वहीं मोदी सरनेम को लेकर भी अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने पिछड़ों का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि पिछड़ों का अपमान हिंदुस्तान नहीं सहेगा। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के काले कारनामे छिपने वाले नहीं है।
पिछड़ों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और पिछड़ों का अपमान करने का अपशब्द बोलने का काम ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी लगातार करती रही है। इनके काले कारनामे, अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं, क्योंकि काले कारनामे छिप नहीं पाएंगे। सवाल ये खड़ा होता है कि आखिरकार क्या कांग्रेस ने कोर्ट को भी मानना बंद कर दिया है? अहंकार इतना ज़्यादा राहुल गांधी जी का है कि वो पिछड़े समाज से माफ़ी तो नहीं मांगी, कोर्ट में भी माफ़ी नहीं मांगी, कोर्ट का जब आदेश आ गया तो उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। ये आदेश कोर्ट का है, स्पीकर को तो केवल उस पर पुष्टि करनी है। जिस समय आदेश आया उसी समय से उनकी मेंबरशिप चले गई, सदस्यता चले गई। अब ये नौटंकी किसके लिए है? एक व्यक्ति के लिए संसद के सत्र को नहीं चलने देते, वो व्यक्ति जो दुनिया भर में जाके भारत का अपमान करता है और वापस आकर वो नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या पिछड़ों को इसी तरह से ही अपशब्द अपमानित करने का काम कांग्रेस पार्टी करती रहेगी? क्या कांग्रेस काले कपड़े काले कारनामे करने के बाद पहनती रहेगी? क्या काले जादू तक भी ये पार्टी जाएगी अपने बचाव के लिए? हिमाचल प्रदेश वासियों के लिए खुशखबरी है, अब दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के बीच हवाई यात्रा करने वालों को नई सौगात मिली है। इंडिगो एयरलाइन ने अब देश की राजधानी दिल्ली और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के बीच सीधी उड़ानें शुरू करने की घोषणा की है। इंडिगो बीते कल 26 मार्च 2023 से ही नई दिल्ली से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के लिए सीधी उड़ानों को शुरू कर चुका है। आपको बता दें, कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए ये इंडिगो की पहली एयरलाइन है जो दिल्ली धर्मशाला दिल्ली के लिए उड़ेगी। हरियाणा बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा खत्म हो चुकी है, अब छात्रों को रिजल्ट का इंतजार है। बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से हरियाणा बोर्ड की जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हो गए थे उनकी नई तारीख जारी कर दी गई है। ऐसे में छात्रों को सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन को चेक किया जाए। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पंजाब के अमृतसर से गैटविक के बीच एयर इंडिया की नई विमान सेवा का उद्घाटन किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि आज नई विमान सेवा पंजाब के अमृतसर से इंग्लैंड के गैटविक तक शुरू की गई है। ये विमान सेवा हफ्ते में 3 दिन चलेगी। ये अमृतसर का इंग्लैंड का तीसरा जुड़ाव होगा। ये अमृतसर नहीं बल्कि पूरे पंजाब के लिए विकास के द्वार खोलेगा। श्रीनगर में फल सब्जियों के दामों ने आसमान छू लिया है। रमजान के महीने में खाने पीने का सामान महंगा हो गया है। हालांकि महंगाई होने के बावजूद बाजार में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं दुकानदारों के मुताबिक उन्हें फायदा नहीं बल्कि नुकसान हो रहा है। उनका कहना है कि श्रीनगर हाईवे बंद होने की वजह से दाम महंगे हुए हैं।